अगर कोविड वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में होता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज आपको बताती हूँ कि अगर कोविड के लक्षण बच्चों में दिखते हैं तो क्या क्या देखने मिलेंगे। अगर वायरस का इन्फेक्शन किसी छोटे बच्चे में होता है तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि थर्ड वेव जो आएगी कोविड की, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन सेकेंड वेव में भी ये देखा जा रहा है कि अब बच्चों का इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ रहा है। मतलब बच्चों में इन्फेक्शन को लेके इतना सीरियस होने का रीज़न ये है कि बच्चों के लिए आइसोलेशन बहुत मुश्किल है। अगर बच्चों को 17 डेज घर वालों से अलग रखना हो, आइसोलेट करके अलग रूम में रखना हो, तो ये कितना मुश्किल है ये आप सब जान सकते हैं। छोटे बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पर होते हैं, उन्हें तो अलग करना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ ही बच्चों में किसी भी तरह का लक्षण आना, उन्हें पहचानना होगा। बच्चा खुद बताने में सक्षम नहीं होता है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है या 5 साल से बड़ा भी है, तो भी बच्चे को पहचान नहीं होती है कि पेट में ऐंठन, मरोड़, ये चीज़ें क्या होती है। बुखार आप बच्चे को टच करके पता कर सकते हो, दस्त होगा तो आप उसे देख के समझ सकते हो, उल्टियाँ समझ सकते हो। लेकिन जो बच्चे को अंदरूनी दिक्कत होगी शरीर में, जैसे शरीर में दर्द हो रहा है, थकन हो रही है, वीकनेस फील हो रहा है, वो बच्चा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको देख के ही समझनी होंगी। देख के समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। आइए समझाती हूँ आपको कि क्या क्या लक्षण बच्चों में देखने को मिलेंगे। बच्चे के पेट में दर्द होगा तो बच्चा बार बार पेट को पकड़ेगा। मतलब डायरिया हो सकता है बच्चे को, दस्त होगा, थकन महसूस होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा सोएगा। इसके साथ ही एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा किसी चीज़ में पार्ट नहीं करेगा। जिस तरह से पहले खेलता था, हर खाने पीने में, हर चीज़ में एक्टिव था बच्चा, उस हिसाब से अब में बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो माँ बाप के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना कि हाँ, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है शरीर में। इसके साथ ही बच्चे में चिड़चिड़ापन होगा, भूख कम लगेगी, बच्चा रोएगा ज़्यादा, हो सकता है फीवर 102 के करीब तक पहुँचे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बच्चे के लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए ये चीज़ आपको मॉनिटर करना है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी लक्षण दिखता है या आपको बच्चे की हैबिट में कोई भी चेंज मिलता है, बच्चा जैसा नॉर्मल एक्टिव था उस अकॉर्डिंग अब एक्टिव नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी बच्चे के आपके डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करें कि बच्चे में इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर बच्चे में फीवर 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू है, तो ज़रूर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, हो सकता है बच्चे को एडमिट करने की कंडीशन हो। इसके साथ ही ये देखा गया है कि 1% से भी कम बच्चों में, मतलब अब तक जितने भी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं पूरे विश्व में, उसमें 1% से भी कम बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। मतलब अगर समय रहते आप अपने बच्चे का इलाज शुरू करा देंगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और जो दवाइयाँ हैं उस हिसाब से अगर दवाइयाँ देंगे, तो किसी भी तरह के बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन बच्चों में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर है, या कि जिन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी है, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है, या बच्चे में डायबिटीज़ है, या एस्थमा की प्रॉब्लम है, इसके साथ ही या कीमोथेरेपी वगैरह कुछ चल रही है, कोई कैंसर से रिलेटेड बीमारी है, कोई ब्लड डिजीज़ है, या फिर थैलेसीमिया वगैरह, कोई भी ऐसी जिनकी वजह से बच्चे को किसी भी चीज़ का कंटिन्यू मेडिकेशन चल रहा हो, कोई लंबा इलाज चल रहा हो, ऐसे केसेस में बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। इन बच्चों के साथ में विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही देखा गया है कि कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद में बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें कि बॉडी में जगह जगह सूजन हो जा रही है। मतलब हर अंग में जो भी इन्फेक्टेड अंग हो रहे हैं उनमें सूजन हो जा रही है। सूजन की वजह से बच्चे में बहुत दर्द हो रहा है। इस सिंड्रोम में जो जो अंग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें सबसे कॉमन है हमारा हार्ट। बच्चों का जो हार्ट होता है वो सबसे कॉमनली इन्फेक्ट हो रहा है। इसके साथ फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा और आंखें रेड हो जा रही हैं, मतलब आईज रेड हो जा रही हैं बिल्कुल। बच्चों में ये देखा गया है इस सिंड्रोम के बाद मस्तिष्क संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी छोटे से सिम्टम्स आपको नज़र आएँ, तुरंत बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ ही जो ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, इसके क्या क्या लक्षण है वो समझते हैं। लगातार बुखार आता है, त्वचा पर चकत्ते आते हैं, थकान होती है, सिरदर्द होता है, धड़कनों का तेज होना, आँखों में लालपन, होठों पर सूजन, हाथ पैर में सूजन, शरीर के किसी भी अंग में गांठ बनना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको देखने मिल रहा है बच्चे में, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थे कि कोविड में बच्चों में क्या क्या लक्षण देखने मिल रहे हैं। इसके बाद भी हम आज भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोविड की अभी तक कोई भी 100% इलाज नहीं बना है, कोई भी दवा नहीं है अभी तक। कोशिश करिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें, कि इनमें से किसी लक्षण आने की ज़रूरत ही ना पड़े। बच्चों को दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे बच्चों को मिलने ना दें, मास्क का प्रयोग करें,
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हमारे घर में अगर कोई इन्फेक्टेड है तो बच्चे में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब बच्चा एसिम्टोमेटिक है, लेकिन इस कंडीशन में भी अगर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके साथ ही अगर बच्चे में आपको कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो बच्चे का टेस्ट ज़रूर कराएँ, क्योंकि बच्चा कुछ भी बताने में सक्षम नहीं होता है तो बीमारी पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, और जितना वक्त जाएगा बच्चा उतना कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए समय रहते ही अगर आपको फीवर कंटिन्यू लग रहा है कि 3 डेज से ज़्यादा फीवर हो रहा है और दवा देने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो तुरंत चेक कराएं, जो भी टेस्ट अवेलेबल है वो टेस्ट कराएं, जिससे कि निगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट आए उस अकॉर्डिंग दवा चल सके बच्चे की। तो ये था कोविड वायरस अगर बच्चों में होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।